नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको टिंडे की सब्जी कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। मैंने 6 टिंडे ले रखे हैं। Play this record as frequently as possible. तो गाइस, अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें तेल डालूंगा। तो गाइस, अब मैं तेल डालूंगा इसमें थोड़ी मात्रा में, ऑयली ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। तब तक तेल होने तक हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। फ्रेंड, हमारा तेल हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डालूंगा। जीरा हल्का ब्राउन होने तक मैं इसमें लहसुन डाल रहा हूँ। लहसुन हल्का सा ब्राउन होगा, लहसुन हल्का सा ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया है। लहसुन ब्राउन हो चुका है, अब ऐसे हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज भी हल्का ब्राउन करेंगे। गाइस, प्याज हो गया हल्का ब्राउन, अब इसमें हम डालेंगे टिंडे जो मैंने पहले ही धो दिए थे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी। आधी चम्मच मिर्च तीखा जितना खाना है आपको उस हिसाब से। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक। इसमें डाल देंगे धनिया थोड़ा सा, देख 2-1.5 चम्मच के बीच में धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्टीम गैस की स्टीम 5-0 कर देंगे। अब इसे हल्के आंच में पकने देंगे 5-6 मिनट। इसे ढक के रख देंगे।
सो गाइज, मेरी टिंडे की सब्जी हल्की सी पक चुकी है। अब इसमें हम टमाटर मिक्स करेंगे। पकने के बाद काफी अच्छी लगेगी गाइस। इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। सो गाइस, हमारे यहाँ टिंडे की सब्जी तैयार अच्छे से पक चुकी है। तो गाइस, ये पक चुकी है अच्छे से। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें अभी थोड़ी देर में धनिया डालें। तो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।